हम थोड़ी देर में शुरुआत करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन इन, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अभी दिख रहे हैं, पर अभी भी काफी ज्यादा लोग अटेंड करने वाले। सो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ लोगों के ज्वाइन होने का। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इश्यू था, कल भी है आज भी है। सो आई विल, व्हाट आई विल डू कि मैं आज आपको लर्निंग पे फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अगर लाइट्स नहीं आते हैं तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। सो आई डोंट वांट टू पिच एनीथिंग टुडे। अगर आप में से किसी को भी लगा कि आपको मेंटोरशिप में ज्वाइन करना है या कुछ है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर। सो आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। वैसे भी मैं देता हूँ हर जगह पे, हर टाइम पे, बट हमारा फोकस लर्निंग पे रहेगा। हम थोड़ा सा अभी वेट कर रहे हैं 2-3 मिनट, एंड 2-3 मिनट में हम शुरुआत करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट में शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आज थोड़ा सा स्विफ्ट और फास्ट सेशन लूंगा मैं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इशू, बट मेरा जो फोकस रहेगा आज वो ये रहेगा कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी के बारे में कंसेप्ट्स और नॉलेज दे पाऊं। मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा कि जो फ्राइडे को 5 बजे जो वेबिनार होगा, और संडे को वापस 5 बजे वेबिनार होगा, वो उसमें से कोई भी एक वेबिनार आपको अटेंड करना है, क्योंकि वहां पे मैं आपको बहुत सारे बोनसेस देने वाला हूँ जो आपको साइकोलॉजी में हेल्प होंगे। सो आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बोनस देयर। आज बिकॉज ऑफ द, एज आई एम सेइंग, इलेक्ट्रिसिटी इश्यू एंड ऑल, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल। So I will be giving you primarily only knowledge today. Okay. So maybe just one more minute and then we will start. So welcome everyone. सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी में होगा वेबिनार और हिंदी में हम बात करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में यूट्यूब में या फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में काफी कम नॉलेज अवेलेबल है, और लोग जनरली अक्सर ये थोड़ा सा लेट समझते हैं कि उन्हें माइंडसेट ट्रेनिंग की जरूरत है, माइंडसेट ट्यूनिंग की जरूरत है। बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड दैट, मेनी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे लूज लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा या अपॉर्चुनिटी चली जाती है। सो अगर कोई यहाँ पे फ्रेश है तो बहुत अच्छा है कि आप बहुत जल्दी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में आ गए, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी ट्रेडर है, दुनिया भर में हर ट्रेडर कहता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज 80% इम्पॉर्टेंट, टेक्निक इज 20%। बट अनलकीली अगर आप देखोगे तो जितने भी यूट्यूब चैनल देखोगे आप, जितने भी कोर्सेज देखोगे, वहां पे पूरा फोकस टेक्निक्स पे रहता है। सी, टेक्निक्स तो आप कहीं से भी सीख लोगे, टेक्निक सीखना उतना मुश्किल नहीं है, और टेक्निक हर कोई सीख सकता है। मगर डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर यही होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर उस टेक्निक का सही माइंडसेट के साथ यूज कर सकता है, सही रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट के साथ यूज कर सकता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको आज ऐसी प्रोसेस देने वाला हूं, एक्शन प्लान देने वाला हूं, ऐसे टूल्स बताने वाला हूं, और जिसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा और आपको बोनस दूंगा व्हेन यू मीट मी ऑन फ्राइडे और संडे। बट आज मैं जितना नॉलेज दे सकता हूं इसके बारे में मैं आपको देने वाला हूं, जो यूज करके आप आने वाले 2-3 महीनों में जल्द से जल्द आपका जो भी फियर है, फोमो है, फियर ऑफ लूजिंग है, उसे छुटकारा पा सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह में चल सकते हो। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मेरे बारे में। मैं नीलेश सामंत, मुंबई से। मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ पिछले 20 साल से, और पिछले 14 साल से ट्रेडर हूँ। 2016 के बाद मुझे लगा कि मार्केट में टेक्निकल नॉलेज बहुत है बट साइकोलॉजी का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण मैंने मेरे 5 साल गवाए, तो मुझे ये शेयर करना चाहिए। और मैंने 2016 से 2021 5 साल तक ऑफलाइन मार्केट में बहुत सारे सेमिनार्स लिए और 2000 से ज्यादा लोगों को हेल्प किया। उसके बाद 2021 के एंडिंग में 2022 में मैं ऑनलाइन में लोगों को, ज्यादा लोगों के पास पहुंचने के लिए मैंने ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम से लोगों तक
साइकोलॉजी का नॉलेज पहुंचाने की मेरी कोशिश है। तो जब मेरी शुरुआत हुई तब मैंने भी सारा टेक्निकल सीख लिया, चार्टिंग स्ट्रेटजी सीख ली, बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज। और इसकी वजह से मैं रोज नया टेक्निक यूज करता था, नई नई चीजें ट्राई करता था। कुछ दिन विनर लगते थे, जैसे ही लूजर लगते थे, जैसे लूजिंग स्टिक आता था, जैसे मेरा पैसा कम होने लगता था कैपिटल से, मैं उसको छोड़ देता था और यही करता रहता था। 3-4 साल यही किया और मुझे लगने लगा कि शायद ये बड़े लोगों के पास ही ट्रेडिंग सिस्टम होती है जो पैसा कमाती है, हमें कोई नहीं बताता है, ये लगने लगा मुझे। और 4-5 साल कोशिश करने के बाद मैं छोड़ने वाला था ट्रेडिंग, जब मैंने मार्क डगलस, ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट थे, इनका एक इंटरव्यू देखा बीबीसी पे, जहां पे मुझे समझा कि 5 साल से जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था, 5 साल से मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा था, उसके पीछे एक और एक ही रीजन था, और वो रीजन था मैं खुद। मेरे माइंडसेट में प्रॉब्लम था, मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता नहीं, मनी मैनेजमेंट पता नहीं, कुछ पता नहीं था। उसके बाद में अगले 1.5 साल तक मैंने दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर्स बुक्स और यूट्यूब वीडियोस से वापस साइकोलॉजी का नॉलेज लेना चाहा, क्योंकि आज भी, ये तो मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, आई कैन टेल यू, आज भी आप जाओ इंटरनेट पे और साइकोलॉजी के बारे में ढूंढो, आपको आसानी से नॉलेज नहीं मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। लोग बस कहेंगे कि आपको रोबोट जैसा रहना है, आपको हार जीत से डरना नहीं है, लूजर तो आएंगे, डिसिप्लिन रखना है, बट ये बहुत सुपरफिशियल भाषण हो गया। डिसिप्लिन में रहना है सबको पता होता है, डिसिप्लिन कोई जानबूझकर नहीं तोड़ता है। डिसिप्लिन तभी टूटता है जब हमारा हार्ड अर्न मनी हमारी आंखों के सामने मार्केट में घुसता है, तब डिसिप्लिन टूटता है। तब या तो उसे वापस पाने के लिए आप ज्यादा रिस्क लेते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, काफी गलतियां करते हो, या तो फिर आप ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ के चले जाते हो। सो डिसिप्लिन ना होना एक आउटपुट है, प्रॉब्लम अंदर है, हमें वो प्रॉब्लम के अंदर पहुंचना पड़ेगा। तो ये होने के बाद आज हमारी कम्युनिटी है जिसमें इस तरह के प्रॉफिटेबिलिटी आती रहती है, सर्टिफिकेट्स, इस तरह के मंथली प्रॉफिट्स, इस तरह के ईयरली प्रॉफिट्स, इस तरह के ओवरऑल अकाउंट प्रॉफिट्स आते रहते हैं, और हम डेली प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं, डेली लाइव ट्रेडिंग होती है मंडे वेनसडे फ्राइडे एंड ऑल। बेसिकली एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नया ट्रेडर या अनप्रोफेशनल ट्रेडर या लूजिंग ट्रेडर के बीच में फर्क क्या होता है कि तीनों के पास छोटा विनर होता है, छोटा लूजर होता है, बड़ा विनर होता है, तीनों के पास होता है। बट जो ट्रेडर पैसे गंवा रहा है उसके पास एक बड़ा लूजर भी होता है, और ये बड़ा लूजर ही उसका पैसा लेके जाता है, और उसके पास एक नहीं कई बड़े लूजर होते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, रिवेंज लेता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, स्टॉप लॉस नीचे लेता है, एवरेजिंग करता है, प्रॉफिट जल्दी कट करता है। क्या होता है, शुरुआत में जब आप आते हो ट्रेडिंग करने, तब आप सोचते हो कि 10,000 रुपये 500 रुपया मिलेगा, बस हो गया, कभी कभी 1,000 भी मिल जाता है, बट आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आप स्टॉप लॉस के बदले में एवरेजिंग करते हो, रिवेंज लेते हो, और फिर बड़ा सा खड्डा हो जाता है, और यहाँ पे एक ही दिन 3,000 रुपया निकल जाता है। ये बड़ा लॉस जब होता है आपको, उसके बाद ना ही सिर्फ आपका कैपिटल कम आता है, आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, आपका बिलीफ भी चला जाता है, आपका भरोसा भी उड़ जाता है उस ट्रेडिंग सिस्टम में से, ट्रेडिंग में से। आप हर्ट भी हो जाते हो, आप डर भी जाते हो, फियर भी आ जाता है, तो उसके बाद, उसके वो दिन के बाद आप जल्दी कट करना चालू करते हो। इस दिन के बाद आप जल्दी प्रॉफिट कट करना चालू कर, 500 का 300 हो गया कट कर दिया, 500 का 200 हो गया कट कर दिया, जल्दी फिनिश करना चालू कर देते हो, और आपका बड़ा विनर और छोटा लूजर के बदले में छोटा विनर और बड़ा लूजर बनना चालू हो जाता है। अगर आप ये बिग लूजर को निकाल दो आपके अकाउंट में से, अगर आप ये बिग लूजर को निकाल दो, तो आपके ध्यान में आएगा कि आप शायद ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो। अगर आप ये बिग लूजर को निकाल दो तो आपके ध्यान में आएगा आप शायद ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, मगर ये बिग लूजर है जो आपका नुकसान करता है।
तो मैं आपको आज जैसे बोला कि आज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े इश्यूज हैं, तो मैं फ्राइडे और संडे के वेबिनार में आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा, स्पेशल बोनस दूंगा, और प्लस बड़ा वेबिनार होगा, स्पेशल वेबिनार होगा। बट आज मेरा जो फोकस होगा वो टीचिंग पे होगा। आई विल फोकस ऑन ओनली टीचिंग टुडे, साइकोलॉजी के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मैं कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस शायद पिच भी नहीं करूंगा। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मेरा पर्सनल नंबर मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में डाला है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड आई विल लेट यू इन टू द मेंटोरशिप। बट मैं आज का मेरा फोकस सिर्फ लर्निंग होगा, टीचिंग होगा। एंड देन फ्राइडे और संडे यू कैन इन वेबिनार भी आप जैसे हमेशा ज्वाइन करते हो, यू कैन ज्वाइन मेंटोरशिप बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग। ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते लोग हमारे स्पेशली कम्युनिटी में, बिकॉज दे हैव बिकम वेरी सिस्टमेटिक। तो वो आप कर सकते हो, या तो फिर मुझे मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करके आप आज भी ज्वाइन कर सकते हो। बट माई फोकस टूडे इज ऑन टीचिंग। सो मैं आपको वो 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जो स्टेप्स आपको आपका जो फियर है, फोमो है, निकालने में हेल्प करेगा। पहली चीज समझो कि आपको किसी भी हालत में आपके इमोशंस को दबाना नहीं है। आप इंसान हो, रोबोट हो नहीं। आप ना ही रोबोट हो ना ही रोबोट बनने की कोशिश करनी है। आपके मन में अगर डर आता है, ग्रीड आता है, जो भी आ रहा है, आपको लिख के निकालना है। दैट इज कॉल्ड माइंडसेट डायरी। यू हैव टू मेंटेन अ माइंडसेट डायरी। ओके, और माइंडसेट डायरी इस तरह की होती है। आई कैन शो यू, मेरे स्टूडेंट की माइंडसेट डायरी में आपको दिखा दूंगा, सो दैट यू माइट गेट सम आइडिया। तो ये माइंडसेट डायरी है, ये ऑब्जर्वेशंस है और ये माइंडसेट डायरी है। ये दिवेश जी है, फर्स्ट महीने दिसंबर में आए, जनवरी में ऑलरेडी वो प्रॉफिटेबल है 15% और तब से आज तक हर महीना प्रॉफिटेबल है। पहले महीने में 15% बनाया। हर एक प्रॉब्लम को लिख रहे, मन में जो आ रहा है, माइंडसेट थॉट्स लिख रहे और ऑब्जर्वेशंस लिख रहे, हर एक प्रॉब्लम को लिख रहे। तो आपको क्या करना है, जो सपोज कोई ट्रेडर है और वो ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आने लगता है, तो उसको मन में डर आ जाता है, वो काट देता है। आप प्रॉफिट जल्दी काटते हो, आपका आपका टारगेट यहाँ पे, पर आप जल्दी काट रहे हो। तो इसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि यू हैव बोरोड कैपिटल। इसका मतलब आपका जो कैपिटल है आपने किसी से उधार लिया है, तो दूसरे का पैसे से ट्रेड कर रहे हो, खुद का सेविंग में से ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो प्रेशर तो आएगा, टेंशन तो आएगा। ये बंदे को ये बोल के फायदा नहीं कि हार जीत होती रहती है। ये प्रॉब्लम उसका ये है कि उसने बोरोड कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, जो करना नहीं चाहिए। और देयर कैन बी अ प्रॉब्लम कि यू आर टेकिंग बिग रिस्क पर ट्रेड। आपका कैपिटल 1 लाख है और आप एक ही ट्रेड पे 10-10, 12-12 हजार की रिस्क लेते हो। अगर आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो, 1% का फॉर्मूला जो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रेशर आएगा, तो ऑब्वियसली डर लगेगा। ये बंदे को ये बोल के फायदा नहीं कि लूजर्स आएंगे, लूजर्स आते हैं। उसका प्रॉब्लम वो नहीं, वो समझ रहा है। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो गलत रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है। और मे बी यू हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन सिस्टम। आप जो सिस्टम या टेक्निक यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या बोलोगे, चलो 300 मिल रहा है, 300 लेके निकल जाता हूँ, 300 का 250 हो गया, कट करोगे। जैसे कि आपने आपको एक जॉब को लग गए मार्केटिंग का, और आपको बॉस ने एक प्रोडक्ट दिया कि ये जो प्रोडक्ट है वो जाके बेच दे, तो आप निकले। बट आपको वो प्रोडक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है प्रोडक्ट शायद खराब ही है, बेकार है। तो क्या आप अच्छे से बेच पाओगे, क्या आप अच्छे से कन्विंस कर पाओगे, सेल कर पाओगे? बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। सो कॉन्फिडेंस इज अ की वे टू ट्रेड वेल। कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा, उसके लिए आपको
वैलिडेशन करना पड़ेगा, आप जो कर रहे हो उसको वैलिडेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू बैक टेस्ट और डेमो ट्रेड और फॉरवर्ड टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग, जो मैं आपको मेंटोरशिप में सिखाऊंगा, जो आपका काफी टाइम बचाएगा। इसमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी आपको भरोसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई खास दोस्त है जो आपको प्रॉब्लम में जब आता है 500-1000 रुपये मांग लेता है और आपको टाइम से पहले रिटर्न करता है हमेशा। अभी उसने वापस 500 रुपये मांगा, आप ना नहीं कहोगे बिकॉज यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिम। बट एक चौथाई आदमी है जिससे आपका कोई पहचान नहीं है, उसने आपसे 2000 रुपये मांग लिया तो आप बोलोगे अरे मेरा जीपे नहीं चल रहा है, अरे मेरा वॉलेट घर पे रह गया, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू लूज दैट मनी, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, राइट? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये छोड़ दोगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। या तो फिर यू हैव नो सिस्टम। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, तो मन में डर आने वाला है ना कि ये जो पैसा आज मिल रहा है कल मिलेगा कि नहीं, पता नहीं, ये तो मटका है, गैम्बल कर रहा हूं। तो हमें इस तरह से डीप में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमें लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट। एंड देन गो डीप एंड यूज इमोशन एज अ लीडिंग इंडिकेटर। हमें अभी इमोशन को लीडिंग इंडिकेटर यूज करना है। कैसे? कि इमोशन हमें बताएगा कि हमारा कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है। कैपिटल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, वैलिडेशन में प्रॉब्लम है, हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम वैलिडेटेड नहीं है, ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, यू प्लान करना पड़ेगा, ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास फोमो का इश्यू आ रहा है तो चेकलिस्ट या जर्नल या माइंडसेट डायरी, माइंडसेट डायरी से ही आ रहा है ऑब्वियसली, और रिव्यू। आप रिव्यू नहीं करते हो, रिव्यू भी बहुत जरूरी है। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम कल का ट्रेड याद रख सकते हैं, परसों का ट्रेड याद रख सकते हैं, हमें 3-4 दिन पहले का ट्रेड याद नहीं रहेगा। हमें हर एक ट्रेड को लिखना पड़ेगा जर्नल में, हमें माइंडसेट डायरी और जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, फोटो मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आई विल शो यू अनदर एग्जाम्पल, अनदर स्टूडेंट, देखो इन्होंने ट्रेडिंग प्लान बनाया, ये दिसंबर में आए महेश जी, और जनवरी में ऑलरेडी 19% बनाया, एक महीने में इन्होंने ट्रेडिंग प्लान बनाया। इतना डिटेल में ट्रेडिंग प्लान है कि कौन से मार्केट में ट्रेड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रेड टाइप क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ट्रिगर क्या है, कन्फर्मेशन ट्रिगर अलग अलग है, एंट्री कब करना है, स्टॉप लॉस कब लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। प्लस इसके सिवा इन्होंने पूरे का पूरा उनको किस तरह का ट्रेड चाहिए उसका फोटो रखा है, कि मुझे ऐसा ही फोटो चाहिए, उसका एग्जांपल यहाँ पे रखा है कि मुझे ऐसा ही ट्रेड चाहिए, मुझे एग्जैक्टली ये सिस्टम ट्रेड करनी है। उसके बाद में इन्होंने चेकलिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या स्टेप्स करनी है ट्रेड करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स करनी है, माइंडसेट डायरी बनाई, खुद को मार्क दिए, जर्नलिंग किया, हर एक जर्नल में हर एक चीज को नोट किया, एक्सपेंस इनकम सबको नोट किया, निफ्टी कहाँ था, अलग अलग रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के साथ कितना पैसा बनेगा, ये सब सीखना पड़ेगा। हर एक ट्रेड का फोटो, हर एक ट्रेड लेते वक्त उसका फोटो, एंट्री के टाइम उसका फोटो,
उसके बाद जब ट्रेड कंप्लीट होता है वो टाइम का भी फोटो। ये सारा डेटा कौन जमा करेगा? आपके लिए, आपको ही करना पड़ेगा ना, आपका बिजनेस है। कोई भी कंपनी बड़ी होती है डेटा के आधार पर, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, आपको ये सब करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग, रिव्यू, ये सारे टूल्स है, और माइंडसेट डायरी, ये पांच टूल्स है। ये पांचों टूल्स आपको डिटेल में सीखने पड़ेंगे, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि ये जो टूल्स है, आपका जो प्रॉब्लम है, फियर है, उसका जो जड़ से सामना करेगा, जड़ से निकाल देगा प्रॉब्लम को, आपको सिस्टमेटिक बनाएगा। आप एक चीज बताओ, जब आपने पहली बार लाइफ में ट्रेडिंग चालू किया, क्या आपके मन में फियर था? क्या आपके मन में फोमो था? क्या आप रिवेंज करने की सोच रहे थे, ओवर ट्रेडिंग करने की सोच रहे थे? नहीं, आप बस बहुत इंस्पायर्ड थे, बहुत खुश थे जब पहली बार ट्रेडिंग चालू किया, याद करो। तो ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आए? ये प्रॉब्लम है अनसिस्टमेटिक तरह से ट्रेड करने से आए। तो इसका उपाय भी वही होगा, अनसिस्टमेटिक ट्रेड करने से अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका उपाय होगा सिस्टमेटिक तरह से ट्रेड करना। दुनिया में 400 साल में, 412 साल हो गए, 1611 में एम्स्टरडेम्स में, हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में, एम्स्टरडेम्स में 1611 में ट्रेडिंग चालू हुआ। 1611 में, 412 साल पहले। आज तक 400 साल में एक बंदा नहीं होगा जो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग भाषा में, उसने अलग अलग टाइप में यूज किया, बट इसके बिना प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर नहीं हुआ। एक ट्रेडर जो विदाउट ट्रेडिंग प्लान, विदाउट जर्नलिंग, विदाउट चेकलिस्ट, विदाउट खुद से बात किए हुए प्रॉफिटेबल हुआ। ट्रेडिंग सिस्टम एक जरिया है, ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉफिटेबल नहीं बनाती आपको। ट्रेडिंग सिस्टम कैसे है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुलजार साहब की या जावेद अख्तर की पेन चुरा ली, गुलजार जी की या जावेद अख्तर की पेन चुरा ली, तो मैं कविता नहीं लिख पाऊंगा, वो कविता अंदर से आती है। तेंदुलकर की या विराट कोहली की बैट चुरा के मैं उनकी जैसे बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, बैटिंग अंदर से आती है। वो बैट अच्छी होना जरूरी है, ट्रेडिंग सिस्टम टेक्निक अच्छा होना जरूरी है, उसके बारे में डाउट नहीं है, पर पहले आपको बैटिंग तो आनी चाहिए। दुनिया की 85% ट्रेडिंग सिस्टम सही होती है, 85% प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो, वो इस तरह से पैसा बढ़ाती है, ऐसे बढ़ाती है पैसा, और ये जो लूजिंग स्ट्रिक आता है वो हम सह नहीं कर पाते। ये हमारे मन में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, विच इज योर सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट है कि आपको इमोशंस को यूज करना है प्रॉब्लमेटिक एरिया ढूंढने के लिए और प्रोसेस अप्लाई करना है। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको अनसर्टेनिटी अंडरस्टैंड करनी है और उसको बिहेवियर में कल्टीवेट करना है। अनसर्टेनिटी क्या होती है? मार्केट में जो भी बंदा आता है उसको लगता है कि मैं कोई स्ट्रेटेजी पकड़ूंगा, मैं कोई टेलीग्राम चैनल पकड़ूंगा, मैं कोई अल्गो पकड़ूंगा, मैं कोई टेक्निक पकड़ूंगा और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। वो जो टेक्निक है, वो जो चीजें हैं, वो लाइट्स आ गया एक्चुअली, सो आई विल एबल टू टीच यू मोर इन डिटेल्स टुडे, बट फिर भी फ्राइडे और संडे को आई विल गिव यू बोनस, सो यू आर मोस्ट वेलकम दैट टाइम। आज इंडिया में लोग ट्रेडिंग सिस्टम से ट्रेडिंग सिस्टम जम करते रहते हैं, या अल्गो से अल्गो फॉरेन में जम करते रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सर्टेनिटी, दे वॉन्ट समथिंग विच विल जस्ट गिव देम मनी लाइक एनीथिंग। ऐसे नहीं होता है। आपको किसी ने द्रौपदी का थाली भी दिया, आप उसको फेंक दोगे जब लूजिंग स्ट्रिक आएगा। तो आपको पहले अनसर्टेनिटी समझनी पड़ेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट मार्केट हमेशा अनसर्टन ही रहेगा, इट विल बी ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी हमें हमारे बिहेवियर में क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हवा में से एक तीर जा रहा है, आपको उसको गोली से उड़ाना है, तो आप ऐसे झूमोगे तो गोली थोड़ी लगेगी,
आपको हवा में से जाने वाले तीर को उड़ाना है तो ऐसे झूम के नहीं चलेगा, आपको स्टडी रखना पड़ेगा, सर, आंखें, बंदूक, हाथ, और फिर गोली लगेगी। यू हैव टू बी स्टेबल। सो आपके बिहेवियर में सर्टेनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट अनसर्टन क्यों है। मार्केट अनसर्टन है क्योंकि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको समझना पड़ेगा दो टाइप की होती है। एक होती है लीनियर प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोबेबिलिटी इज लाइक आपने स्विमिंग सीख लिया तो आप कभी नहीं भूलते। लीनियर प्रोबेबिलिटी इज लाइक आपने साइकिल पे बैलेंस करना सीख लिया तो ऐसे नहीं होता कि आप जॉब से आ रहे हो और अचानक बाइक पे बैठे हो और आप भूल गए और गिर गए, ऐसे नहीं होता। इट वोंट हैपन। एक बार सीख गए बैलेंस, सीख गए, आप जॉब पे जा रहे हो, आपने वहां पे जॉब पे अटेंडेंस लगा दिया तो सैलरी मिल गई, ओके। बट बिजनेस, जैसे कि आपने यहाँ पे एक होटल निकाला, तो ये होटल जो है वो रोज रोज नहीं चलेगा। पहले 2 दिन फुल रहेगा, तीसरे दिन नहीं चलेगा, चौथे दिन नहीं चलेगा, पांचवें दिन चलेगा, छठे सातवें दिन नहीं चलेगा, आठवें दिन नहीं चलेगा, नौवें दसवें ग्यारहवें दिन चलेगा, बारहवें दिन चलेगा, 13वें, ऐसे ही चलेगा होटल, कोई भी बिजनेस। एग्जैक्टली इसी तरह से ट्रेडिंग भी चलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज अ नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। तो आप सपोज एक ट्रेडिंग सिस्टम लेके आए जिसमें पिछले 60 ट्रेड में से 30 ट्रेड, पिछले 50 ट्रेड में से 30 ट्रेड विनर है और 20 ट्रेड लूजर है, इसका मतलब 60% प्रोबेबिलिटी है, 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो है, आपको ये पता है, ठीक है। अभी आप इसका मतलब बस इतना ही है कि आप जब ट्रेडिंग करोगे और 50 ट्रेड, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी स्कोरिंग समवेयर अराउंड 25 to 35 विनर्स, यानी 50 to 70 लिख देता हूं परसेंट आपका विनिंग रेट होगा। इतना ही मतलब है, पर दैट इज ट्रू ऑन 50 ट्रेड्स। सिंगल ट्रेड जब चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, विनर लूजर लूजर विनर लूजर 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 विनर विनर लूजर, ऐसे ही चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब लगातार तीसरा या चौथा लूजर आता है हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कभी भी ये ड्रॉडाउन सह नहीं सकते, ये ड्रॉडाउन सहने की ताकत हमें नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं है, और हम एक सिंगल ट्रेड से पूरा एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे, एक सिंगल ट्रेड से। आपको समझना पड़ेगा कि एक सिंगल जो ट्रेड होता है वो कंप्लीटली यूनिक एंड रैंडम होता है। क्या होता है? यूनिक एंड रैंडम। उसका पहले और अगले ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं, और उसका रिजल्ट भी रैंडम होता है। बस अगर आप ऐसे 50 ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा, सिंगल ट्रेड का कोई भरोसा नहीं होता। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, एवरी सिंगल ट्रेड इज यूनिक एंड रैंडम। सो आपको आपके एक्सपेक्टेशन इस माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल, दिस इज अ माइक्रो लेवल MICRO यानी सिंगल ट्रेड, एंड दिस इज अ मैक्रो लेवल MACRO, MACRO मैक्रो लेवल पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये शिफ्ट कैसे होगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ट्रेडिंग सिस्टम की ट्रेड करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं मुझे आपको सपोज मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैंने एक बुक लाया, हाउ टू बिल्ड ग्रेट बॉडी, रोज पढ़ रहा हूँ, रोज नोट्स निकाल रहा हूँ। कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। जिम में जाके कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही माइंडसेट अगर बनाना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, माइंडसेट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ वेबिनार अटेंड करने से नहीं होगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी बट यू हैव टू प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस
सबसे मुश्किल इसलिए है कि वो ब्रेन रिलेटेड है, माइंड रिलेटेड है. इसके लिए यू नीड अ माइंड मेंटोरशिप. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी किस तरह से है, और आपको आपके बिहेवियर में सर्टेनिटी लानी पड़ेगी. इसका मतलब क्या कि आपको वही चीज है वापस, कि आपको पहले तो एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, फिर चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर जर्नलिंग करना पड़ेगा, माइंडसेट डायरी उसमें लिखनी पड़ेगी, और ये सारा यूज करके आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि इसमें से विनर अलग निकालो, लूजर अलग निकालो, स्टॉप लॉस कहाँ बेटर हो सकता है, टारगेट कैसे बेटर हो सकता है, अलग अलग रिवॉर्ड टू रिस्क को समझो, अलग अलग सिलेक्शन कंडीशंस को समझो. आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है ना, बेहतर करना है, तो ये सारा कुछ सीख के करना पड़ेगा, तभी हो सकता है. प्लस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप रोज जो करते हो वो इनकम और एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट और लॉस नहीं होता. मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंपनी डेली प्रॉफिट लॉस करती है या क्वार्टरली? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डेली होता है या क्वार्टरली होता है, बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बताओ, चाहिए तो पर्सनली मुझे बताओ. प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डेली होता है क्या, क्वार्टरली होता है? क्वार्टरली, राइट, क्वार्टरली होता है, करेक्ट. सो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर क्वार्टरली होता है, हम क्यों बोलते हैं रोज प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? रोज जो हो रहा है वो एक्चुअली इनकम और एक्सपेंस है. लॉस वो होता है, आपको समझना पड़ेगा कि लॉस वो होता है जो एक्सीडेंटल होता है. ये मोबाइल गिर के टूट गया तो वो लॉस हो गया, मगर जो एक्सपेंस आप खुद से करते हो इनकम कमाने के लिए, वो लॉस नहीं है, वो एक्सपेंस है. जो खर्चा आप खुद से कर रहे हो, जैसे कि आप मार्केटिंग में हो, आप बाइक पे पेट्रोल डाल के सुबह निकलते हो या मेट्रो का टिकट निकालते हो, आपको दर्द नहीं होता. आपका होटल है, आप लाइटिंग कर रहे हो जिससे कि लोग अंदर आए खाना खाए, आपको दर्द नहीं होता क्योंकि आप इनकम कमाने के लिए कर रहे हो. वैसे ही जब आप एक ट्रेडिंग साइकिल कर रहे हो 50 ट्रेड की, आप जब एक ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है ये विनर लूजर कुछ भी हो सकता है, बट आपको तो सही तरह से ट्रेड लेना है ना. ये इनकम हो सकता है या तो फिर एक्सपेंस हो सकता है. ये कंसेप्ट बहुत डीप कंसेप्ट है, और अगर ये आपको एक बार समझा, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेल, देन यू कैन रिमूव योर फियर. आपका जो फियर है वो बहुत जल्दी रिमूव हो सकता है. आई विल शो यू हाउ. नीलेश सर, मैं पहले सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अभी तक जब तक से मैंने आपके साथ शुरू किया है, ऑलमोस्ट बोलूंगा मैं कि जिस लेवल पे था, जिस साइड पे मैं चल रहा था कि प्रॉफिट कर रहा था, पर ये नहीं पता था कि क्यों हो रहा है. मैं ट्रेड ले लेता था थोड़ा सा बहुत, होप वाली वो जो एक स्ट्रैटेजी थी ना कि चल यार मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, पर जब कभी भी ऐसा लगता था ना तो मार्केट उल्टा मेरे को कर देता था अगले ही मिनट में. पर अभी फिलहाल के लिए जो माइंड सेट है ना कि लॉस नहीं समझ के चलना और एक्सपेंस समझ के चलना है, सर उसने सबसे पहले तो बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी. एक देखने का जो नजरिया है ना सर, वो चीज को वो बिल्कुल चेंज हो गया. अब डर नहीं लगता, स्टॉप लॉस से अब डर नहीं लगता. इस तरह से आपका जो डर है ना, ये कंसेप्ट एक बार समझो आप, एक्सपेंस अगेंस्ट लॉस का, कि आप जो रोज कर रहे हैं वो एक्सपेंस है और आपको हो रहा है वो इनकम है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम निकल जाता है. देयर आर मेनी कंसेप्ट, साइकोलॉजी के मेनी कंसेप्ट है जो आपको सीखने पड़ेगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, सो इस तरह से आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, ट्रेडिंग प्लान लिखना पड़ेगा, जर्नलिंग करना पड़ेगा, तभी आपका फियर निकलेगा. तब तक आपका बिहेवियर अनसर्टन रहेगा. एंड थर्ड पार्टी इज यू हैव टू हैव अ कंप्लीट प्लान. आपके पास डिटेल प्लान होना चाहिए कि इस वक्त आपका ट्रेडिंग करियर कहाँ पे है, इस वक्त आप कहाँ पे हो, इस वक्त आपके
और प्रॉफिट के बीच में कौन खड़ा है? आपको फ्रैंकली बताओ, आप फ्रैंकली सोचो, इस वक्त आपके और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के बीच में क्या है? सिर्फ माइंडसेट ट्रेनिंग है। टेक्निकली तो आपको बहुत कुछ आता है, या नहीं भी आता है, टेक्निकल सीखने को टाइम नहीं लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट ट्रेनिंग आपने कभी लिया ही नहीं, जिसे दुनिया भर के लोग बोलते हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट बोलते हैं कि 80% इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 80%। तो 100 में से 20 मार्क की पढ़ाई करके आप सोच रहे थे आप पहले आओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अनलेस यू लर्न कि किस तरह से सिस्टमेटिक तरह से ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से रिव्यू करना है, किस तरह से चेकलिस्ट बनानी है, किस तरह से टेक्निक और रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चलाना है मार्केट में, कोई भी टेक्निक हो, आपकी टेक्निक हो, मेरी टेक्निक हो, कोई भी टेक्निक हो, तब तक प्रॉफिटेबल होने का आपको कोई चांस नहीं। सो यू नीड अ कंप्लीट क्लियर कट बिजनेस प्लान। जैसे आई विल शो यू वन ऑफ द गेम प्लान, एक्शन प्लान, आई कैन शो यू, जो हमारे यहाँ पे गेम प्लान होता है मेंटोरशिप में, 30 डेज चैलेंज में। तो फर्स्ट वीक में यू लर्न ऑल द बेसिक्स, बेसिक्स अबाउट टेक्निकल बेसिक्स, यानी कैंडल से, व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज स्टॉक, एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक, एकदम बेसिक से। ओके, देन यू विल लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट बेसिक्स एंड साइकोलॉजी बेसिक्स। देन सेकंड वीक में यू विल लर्न ऑल दिस ट्रेडिंग सिस्टम्स, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, अगर आपको ऑप्शन में जाना है, और उसमें से आपको एक या दो सिस्टम पकड़नी है, एक या दो चीजें पकड़नी है, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू हैव टू सेट ऑल दिस। इसके सारे के टेम्पलेट्स वगैरह एवरीथिंग आई प्रोवाइड इन मेंटोरशिप। देन यू हैव टू डू एक्चुअल ट्रेडिंग, जो हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, आपको तो रोज करनी है, सीखना है कैसे करना है, और रोज करना है छोटे कैपिटल के साथ। यू कैन इवन स्टार्ट विद 10,000 रुपीज और इवन 5,000 रुपीज, 5,000 या रिकमेंडेड इज 10,000 कैपिटल से चालू करना है। एंड देन यू हैव टू लर्न मेनी हायर थिंग्स, लाइक इन्वेस्टिंग लर्न करना है, फ्यूचर कमोडिटी करेंसी लर्न करना है, या प्राइस एक्शन सीखना है, हायर कुछ टेक्निक सीखना है, तो दैट यू कैन डू। सो दिस इज आवर कंप्लीट प्लान। तो ये प्लान से लोग यहाँ पे 1 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच। आपको तो टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी है, यू शुड नॉट टेक 1 month ऑल्सो टू बी सिस्टमैटिक। एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल चीज बताता हूँ। पिछले 411 साल में अगर कोई भी बंदा आपके जैसा ही, उसको दो हाथ है, दो पाए, एक नाक है, दो आंख है, अगर यहां से ये 2% 3% ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है यहां पे पहुंचा है, तो इसका सिर्फ एक रास्ता है, और ये रास्ता कोई मेरा रास्ता नहीं है, यूनिवर्सल रास्ता है। इसका रास्ता है फर्स्ट बी प्रोसेस ओरिएंटेड, दैट विल मेक यू प्रोफेशनल एंड दैट विल मेक यू प्रॉफिटेबल। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम लेके आओगे, कुछ भी टेक्निक होगा आपका, आप लूजिंग स्ट्रीक में रह नहीं पाओगे जब तक आप ये रास्ते से नहीं आगे बढ़ोगे। बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ेगी। कोई भी एक भी ट्रेडर नहीं हुआ 400 साल में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हाउ दिस वर्क्स। सपोज आपको घर में एक इंटीरियर का काम करना है, तो आपने किसी दोस्त को बोला, तो दोस्त ने बोला कि कोई एक्स वाई जेड है ना, कोई आदमी है, ऐसे नाम ले रहा हूं मैं, बबलू, तो बबलू को भेजता हूँ, बबलू देख लेगा। तो बबलू आया, बबलू ने कुछ लाया नहीं साथ में कि कुछ माप लो या कुछ लो। उसने देखा घर और बोला 2-3 लाख रुपए लगेगा, ऐसा मैं बाद में कॉल करता हूँ, निकल गया। उसके बाद में आप फॉलो कर नहीं उठा रहे, आप बोलोगे कैसा अनप्रोफेशनल आदमी है। तो आपको फिर दोस्त को फोन किया, दोस्त ने बोला अरे दूसरा एक है मेरे पहचान का आदमी है अतुल करके, तो अतुल जी को भेजता हूँ मैं। तो अतुल जी आ गए,
तो अतुल जी ने क्या किया, अतुल जी ने एक असिस्टेंट को साथ में लाया, और अतुल जी ने पहला पूरा आपका जगह का मैपिंग किया, पहला डायमेंशंस लिया, फिर उसने बोला कि मैं आपको 3-4 बजे तक कोटेशन भेजता हूँ। फिर घर पे जाने के बाद उन्होंने इमीडिएटली आपको मेल किया, आपको व्हाट्सअप किया कि आपको मेल आ गया कोटेशन, तो आपने कोटेशन देखा। तो कोटेशन में हर एक चीज का डायग्राम है, हर एक जगह में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते आइडियाज है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप घर पे रह के काम करोगे इंटीरियर का इतना टाइम लगेगा, अगर आप दूसरे घर में चलो जाओगे इतना टाइम लगेगा, पूरा डिटेल में कोटेशन है। उसका कोटेशन ज्यादा है, 3-3.5 लाख है, 50,000 1 लाख ज्यादा है, बट आप फिर भी उसी के साथ काम करोगे बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल वही होता है जो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, जो प्रोसेस फॉलो करता है वो प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशनल होता है वो प्रॉफिटेबल होता है। तो बहुत सीधा रास्ता है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रॉफिटेबल बनने का। कोई ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती जब तक आप उसका लूजिंग स्ट्रीक नहीं सह सकते, दिस इज द फैक्ट। तो यू नीड अ कंप्लीट इन डिटेल प्लान, बिजनेस प्लान टू बी प्रॉफिटेबल। तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, ये सारे टूल्स आपको पता होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग, और ये साइकिल आपको करनी आनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो आपको मैंने बोली कि आपको मेंटल स्किल क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ समथिंग एज अ बोनस फॉर दिस वेबिनार, मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत, यानी जितना दे सकता हूँ एक छोटे टाइम में नॉलेज दे दिया। यू हैव टू वर्क लॉट ऑन दैट इन मेंटोरशिप, बट आई विल टेल यू समथिंग। आपको एक सवाल पूछता हूँ, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कितने लोगों को लगता है कि दिस इज 100% ट्रूथ, दिस कितने लोगों को लगता है दिस इज 100% ट्रूथ, टेल मी इन चैट बॉक्स। यस 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 100% यस यस यस, सारे लोग यस ही बोल रहे, यस ट्रू। ओके हितेश जी, हितेश जी यू आर राइट। ओके ठीक है ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी 200 में से 150 में से 120 पीपल, 130, यानी सिर्फ मुझे लगता है 2-3 जन ने नो कहा, बाकी सारे ने यस कहा। तो चलो ये टेस्ट करते हम। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग सिस्टम लेते, 9:45 ORB इंट्राडे। क्या करते हैं, 9:45 ORB इंट्राडे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक वन सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें हम बैंक निफ्टी का पहला कैंडल जो होता है आधे घंटे का, पहला आधे घंटे का जो कैंडल होता है वो अगर ऊपर ब्रेक हो गया डेली इंट्राडे, तो मंथली एटीएम कॉल बाय करेंगे, मंथली एटीएम कॉल बाय करेंगे। नीचे ब्रेक हो गया तो मंथली एटीएम पुट बाय करेंगे। और इसको हम टेस्ट करेंगे एक वेबसाइट पे जो फ्री है, algotest.in, ये नाम है उसका। आई विल शो यू दिस वेबसाइट algotest.in, यहाँ पे हम इसे टेस्ट करेंगे। तो ये सिस्टम मैंने बनाई है इंट्राडे बैंक निफ्टी। ओके और ये देखो 9:45 का रेंज ब्रेकआउट अगर हो गया हाई पे, तो मैं मंथली कॉल खरीद रहा हूँ एटीएम, आई एम बाइंग कॉल मंथली एटीएम। और अगर लो ब्रेक हो गया 9:45 का, तो आई एम बाइंग पुट मंथली एटीएम। कोई स्टॉप लॉस नहीं क्योंकि हमें बड़ी रिस्क लेनी है, और 6 साल के लिए मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, 2017 जनवरी से 2023 जनवरी, 6 साल के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। रिजल्ट आपके 10 सेकंड में सामने होंगे, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन चेक कि क्या रिजल्ट आते हैं, यू कैन चेक। ओके इट टेक्स हार्डली 10 सेकंड्स, नॉट टू वरी। तो रिजल्ट्स आर देयर। आपको आपने बनाए 1.5 लाख कैपिटल चाहिए आपको, कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख कैपिटल पे आपने बनाए 6 साल में 351, कितने बनाए, 351। सो 39% ईयर, 39% पर ईयर। बट देयर इज वन बिग प्रॉब्लम, एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है ये प्रॉब्लम, कि
ये बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1.5 लाख के कैपिटल पे 1,21,000 ड्रॉडाउन है, 1,21,000 का ड्रॉडाउन है 1.5 लाख के अंदर। सो आप ये सेडिंग सिस्टम ट्रेड नहीं कर सकते, इतना बड़ा ड्रॉडाउन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉडाउन नीचे लाने के लिए, 84% का ड्रॉडाउन है, नीचे लाने के लिए आपको रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वी विल अगेन ट्रेड सेम सिस्टम वी विल ट्रेड, बट वी विल हैव अ स्टॉप लॉस। सो एग्जैक्टली सेम सिस्टम हम ट्रेड करेंगे, हाई अगर ब्रेक हो गया तो कॉल ले रहे हैं, लो ब्रेक हो गया तो पुट ले रहे हैं, पर यहाँ पे हम देखो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे। तो हमने स्टॉप लॉस इंट्रोड्यूस किया सो दैट ड्रॉडाउन नीचे आएगा, रिवॉर्ड भी कम होगा आपके हिसाब से, पर ड्रॉडाउन तो नीचे आएगा। तो लेट्स अगेन टेस्ट इट फॉर 6 ईयर्स और देखते हैं कि ड्रॉडाउन नीचे आ सकता है क्या स्टॉप लॉस लगा के। तो हमने रिस्क को कम किया, शायद रिवॉर्ड कम होगा बट ड्रॉडाउन तो एटलीस्ट कम होगा, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ड्रॉडाउन कम हो गया के देखते हैं। पहले ड्रॉडाउन हो गया कम, 1,21,000 से 25,000 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बताओ चैट बॉक्स में। ड्रॉडाउन इज ओनली 25,000, ड्रॉडाउन इज ओनली 25,000, 16%। ओके, वेरी हैप्पी। नाउ टेल मी लास्ट वन थिंग, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मुझे एक बात बताओ कि पहले आपका बन रहा था 3.5 लाख, 39%, पर ड्रॉडाउन ज्यादा था, अभी हमने रिस्क कम करके ड्रॉडाउन नीचे लाया, तो ये रिटर्न कितना कम हो गया तो चलेगा आपको बताओ मुझे, ये रिटर्न कितना कम हो गया तो चलेगा? 35, 30, 28, 27, 25, 15, 10, कितना कम आया चलेगा रिटर्न बताओ चैट बॉक्स में, देन आई विल मूव अहेड। टेल मी 18, 25, ओके 16, 10, ओके 25, ओके 30, 20, 10, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो पहले कितने बने हैं? पहले बने हैं 3.5 लाख रुपया, राइट? पहला बना है 3.5 लाख रुपया, अभी देखते हैं कितना बनता है। 25, अभी देखते हैं कितना बनता है। कितना बना, कितना बना, बड़ा के कम हुआ? 5,95,652, कितना? 5,95,652 रुपया बना। तो कम हुआ के बड़ा बताओ चैट बॉक्स में। हमने स्टॉप लॉस लगा के ना ही सिर्फ ड्रॉडाउन को नीचे लाया, हमने रिटर्न को 66% पे लेके गए। सो नाउ यू कंपेयर, नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको आज तक गलत चीजें सिखाई गई कि 1.5 लाख रुपए पे 3.5 लाख रुपया बन रहा था बड़ी रिस्क लेके, बट रिस्क को कंट्रोल करके 6 लाख बन रहा है। यस यस इंक्रीज, राइट। रिस्क को कंट्रोल करके ना ही सिर्फ ड्रॉडाउन 16% पे आ गया, रिटर्न 66% हो गया, है कि नहीं कमाल? सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। दुनिया का हर बड़ा ट्रेडर आपको बार बार कहता है इंटरव्यू में कि आप रिस्क को कंट्रोल करो, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको मैं तो कहता हूं कि आपको खुद को ट्रेडर नहीं कहना आज के बाद, कोई भी आपको पूछे तो आपको कहना आई एम अ रिस्क मैनेजर। क्या हो आप? यू आर अ रिस्क मैनेजर, यू आर नॉट अ ट्रेडर। आपका पहला दायित्व है, कर्तव्य है कि आप आपके कैपिटल को प्रिजर्व करो। जो कैपिटल को प्रिजर्व कर रहा है वही पैसा बना रहा है, और जो पैसे के पीछे भाग रहा है पीछे से उसका सारा कैपिटल मार्केट लेके जा रहा है। समझो ये बात, कैपिटल प्रिजर्व करना, यू आर अ रिस्क मैनेजर। ओके,
सो दिस इज समथिंग यू लर्न टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बड़ा विनर, छोटा लूजर और 1% की रिस्क से ट्रेड करोगे. तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस 1% रूल ऑल्सो एज अ बोनस टुडे. अभी ये जो रूल है 1% का, ये रूल आपको ट्रेडिंग करियर के पहले दिन बताना चाहिए था, पहले दिन सिखाना चाहिए था, फर्स्ट डे. अनलकीली इसके बारे में बात नहीं होती, बट ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का हर हेज फंड, दुनिया का हर फॉरेन इंस्टीट्यूशन, FIS, हर DIS, म्यूचुअल फंड जो दूसरे के पैसे से ट्रेड करते हैं, बड़े ट्रेडर्स 1% से ही ट्रेड करते हैं. और एक लेवल पे पहुंचने के बाद, मकाम पे पहुंचने के बाद, प्रॉफिटेबल होने के बाद, 2-3-4 साल प्रॉफिटेबल होने के बाद, दे कैन गो टू 2%, 2.5% ऑल्सो, बट दे हैव टू स्टार्ट विथ 1% ओनली ऑलवेज. तो ये 1% का रूल क्या है, कि 1% का रूल ये है कि आप कभी भी जब ट्रेड करते हो, आपको आपके कैपिटल का 1% रिस्क करना है. यानी आपके पास अगर 100 रुपया है, तो आपको सिर्फ 1 रुपया रिस्क करना है एक ट्रेड के ऊपर. आप एक दो में दो तीन ट्रेड ले सकते हो, एक दिन में दो तीन ट्रेड ले सकते हो, पर एक ट्रेड पे 1 ही रुपया रिस्क करना है शुरुआत में. प्रॉफिटेबल होने के बाद, कुछ पीरियड के बाद, यू कैन गो टू 1.5, 2% ऑल्सो, 2.5 ऑल्सो, नॉट मोर देन दैट. तो ये रूल किस तरह से अप्लाई होता है, ये रूल आपको देता है क्वांटिटी. अगर आपके पास, अभी ये ध्यान दो और कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, आपके पास 10,000 रुपया है, इसका मतलब 1% रिस्क आप ले सकते हो, दैट इज 100. तो आप 100 रुपीज गवा सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेड पे. पहले वही सोचना है कि क्या जाएगा मेरा, क्या आएगा बाद में. आप अगर 750 रुपये पे एंट्री ले रहे हो लॉन्ग की, और आपका सपोज 735 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कौन डिसाइड करेगा, आपका स्ट्रेटजी, आपका टेक्निक, आप डिसाइड करोगे. सो आपका 15 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है, तो यू विल बाय 100 डिवाइड बाय 15, 15, 100 डिवाइड बाय 15, 6 स्टॉक्स यू विल बाय, 6 स्टॉक्स. आपको पहले आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिसाइड करना है कि स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और उस हिसाब से क्वांटिटी लेनी है. सो दैट अगर अभी स्टॉप लॉस लग भी गया, यू विल लूज 15 × 6, 100 से कम, 90 रुपीज जाएगा. समझ रहे हो? तो यू कैन बाय 6 स्टॉक्स अगर 15 रुपए का स्टॉप लॉस है. ये है 1% फॉर्मूला. कुछ डाउट है तो पूछो. आई विल गो टू निफ्टी बैंक निफ्टी, इसके बाद आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा. अभी कुछ डाउट है तो पूछो. एनी डाउट? आप चाहते हो कि मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं? कुछ समझा नहीं? दैट इज नियरली नॉट एच्योर का कुछ नहीं समझा. आई विल रिपीट ऑन जीरो प्रोसेस भी नहीं समझा. आई विल शो यू ऑन चैट, आई विल शो यू इन द चार्ट. मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं. जैसे कि इंफोसिस का स्टॉक है, ठीक है, इंफोसिस का स्टॉक है, और आप खरीद रहे हो यहां पे. सपोज यू आर बाइंग एट 1995, 1995 में आप खरीद रहे हो, 1997 में, और आपका स्टॉप है 1977. बीस रुपए का स्टॉप लॉस है आपका.
यहाँ पे देखते हैं, आप इंफोसिस खरीद रहे हो 1283 में, यहाँ पे बाय कर रहे हो आप 1283 में बाय कर रहे हो, और आपका स्टॉप लॉस है सपोज 1275, स्टॉप लॉस है 1275, तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, राइट, 8 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और आपके पास है 10,000 रुपया, सो यू विल टेक 100 रुपीज रिस्क, सो यू विल बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 12 क्वांटिटी, यू विल बाय 12 क्वांटिटी, क्लियर है, कुछ डाउट है? इसमें क्या प्रॉब्लम है हितेश जी, आपको शायद 1% का रूल समझा नहीं, हाँ आपको समझा नहीं तो फिर वैसे बोलो ना, आपके पास अगर 10,000 रुपये कैपिटल है तो आपको 1% का रिस्क लेना है, कैपिटल का 1%, इन्फोसिस का 1% नहीं, कैपिटल का 1%, तो आप अगर 8 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपको 12 क्वांटिटी लेनी है, अगर आप 13 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हो, 13 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपको 7 क्वांटिटी लेनी है, अगर आप 4 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो, वो आपके टेक्निक के ऊपर है ना, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्ट्रेटेजी के ऊपर है, तो 25 क्वांटिटी लेनी है, आप इंट्राडे में 5x लीवरेज होता है आपको पता रहे, तो आप 25 क्वांटिटी ले सकते हो, आपके पास 50,000 रुपया है तो 25 क्वांटिटी लेनी है, क्लियर है? ओके, अभी ये हम इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं, वी विल गो टू ऑप्शन, वी विल अंडरस्टैंड ऑप्शन में कैसे होगा, क्लियर है, कुछ डाउट है? जीरो प्रोसेस, कुछ नहीं समझा, जीरो प्रोसेस, ओके वैभव जी, ओके नाउ अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, और सपोज यहाँ पे एक टाइपो एरर है, दिस इज 40, दिस इज 40, सपोज आपका 40 पॉइंट का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब अभी तो 15 हो जाएगा बट अभी 25 है, तो यू आर गोइंग टू लूज 1000 रुपीज, राइट, यू आर गोइंग टू लूज 1000 रुपीज अगर स्टॉप लॉस लग गया, सही है कि गलत है? आपका अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 1000 रुपये गंवाओगे, इसका मतलब एक लॉट से अगर आपको ये ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करनी है देन यू शुड हैव 1 लाख रुपीज एज अ न्यू ट्रेडर, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद आप 50,000 पे या 40,000 पे भी एक लॉट ले सकते हो, क्लियर है? अभी आपको 1 लाख रुपया होगा तभी एक लॉट लेना है और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, लेटर ऑन यू कैन डू विथ 50,000 और 40,000 वंस यू आर प्रॉफिटेबल, क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में? दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं होगा दुनिया में जो 1% फॉर्मूला से ट्रेड नहीं करता है, मैक्सिमम 1.5-2% तक जाता है जब वो बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाता है, बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाता है, दुनिया में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो 1% के बिना ट्रेड करती है, कोई भी FI नहीं है, DI नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, बैंक नहीं, 1 लाख, 10,000 नहीं, 10,000 पे ट्रेड, 10,000 पे अगर 1000 रुपये गवाओगे तो 10% हो गया ना, 10,000 पे अगर 1000 रुपये गवाओगे तो 10%, अगर आपका 3 या 4 स्टॉप लॉस लग गया तो आपका कैपिटल खत्म होता है, कैसे दिखाता हूं, प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, लोग पैसा क्यों गंवाते हैं मार्केट में, पैसा क्यों गंवाते हैं, क्योंकि लोग एग्जैक्टली आप जो कहे अभी वैसे 10% की रिस्क लेते हैं, 1 लाख रुपया होगा तो लोग 10% की रिस्क लेते हैं, तो उनका पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा बट 5 या 6 स्टॉप लॉस लगेंगे लगातार, कोई भी सिस्टम में लग सकते हैं, कितना भी बढ़िया सिस्टम होने दो, तो उसका कैपिटल डायरेक्ट आधा हो जाएगा, कैपिटल आधा हो जाएगा, ये बंदा 1% से ट्रेड कर रहा है तो इसका कैपिटल धीरे बढ़ रहा है धीरे कम हो रहा है, ही इज ऑन 99,000,
बट ये आ गया 80,000। और जब इस तरह से कैपिटल बढ़ेगा और गिरेगा तब वो ओवर ट्रेडिंग करेगा, स्टॉप लॉस मूव करेगा, एवरेजिंग करेगा, रिवेंज करेगा, प्रॉफिट अर्ली लेगा और स्टॉप लॉस लेट लेगा, और आपका कैपिटल 15,000 हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तभी होते हैं जब आप बड़ा लॉस लेते हो। जब हम बड़ी रिस्क लेके बड़ा लॉस लेते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल नहीं गिरता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरता है, हमारा बिलीफ भी गिरता है, फिर हम प्रॉफिट छोटा करते हैं और लॉस बड़ा करते हैं। लोग मार्केट में 10,000 रुपए लेके आते हैं, उसका 15 हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर रिफिल करते हैं, फिर 17 हो जाता है, 2,000, फिर रिफिल करते हैं, फिर 25 हो जाता है, 3,000 होता है, रिफिल करते हैं। या 1 लाख रुपए लेके आते, 10 लॉट लेके आते, 1 लाख का 2.25 लाख होता है, फिर 40,000 हो जाता है, फिर 1 लाख करते हैं, फिर 1 लाख का, अच्छा 1 लाख का 2.5 लाख हो जाता है, 60,000 हो जाता है, फिर रिफिल करते, फिर 1 लाख का 2.25 लाख हो जाता है, 40,000 हो जाता है, और फिर समझता है मैंने 3 लाख रुपया गंवा दिया, बिकॉज आपने कभी ट्रेडिंग किया ही नहीं। आपने ये नहीं समझा कि 1 लाख रुपया अगर कोई बंदा गवा के 80% गवाता है और 20,000 हो जाता है, ये मैथमेटिक्स समझो अभी। 1 लाख का अगर आपका 20,000 गया, हो गया, तो 20,000 का वापस 1 लाख करने के लिए 80% नहीं करना पड़ेगा, आपको 500% करना पड़ेगा। वापस अगर आपको 1 लाख बनाना है 20,000 से, तो 500% करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए इसीलिए ये जरूरी है कि आप 1% से ट्रेड करो। ऑप्शन ट्रेडर कैसे करते हैं दिखाऊं आपको, एक सिंपल चीज। ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर आते हैं 5,000 रुपये लेके और लॉट लेते एक, ठीक है। अभी आप एक साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी का वेबिनार में आए हो ना, साइकोलॉजी समझो। 5,000 पे, सॉरी, 5,000 पे 2,000 रुपया उसने मिला तो वो बोलता है मेरा प्रॉफिट हो गया 40%, ठीक है। मगर दूसरे दिन जब 2,000 गया वो नहीं बोलेगा 40% लॉस हो गया कैपिटल पे। 5,000 पे 2,000 मिला तो वो बोलेगा 40% मिला। 5,000 पे दूसरे दिन अगर 2,000 गया तो वो नहीं बोलेगा कि 2,000 रुपया, से नहीं बोलेगा वो बोलेगा 2,000 गया। उसका रीजन समझ लो, जब उसको पैसा मिल रहा है उसको सपना देखना है कि मेरा 5,000 का 2,000 बना तो 50,000 का 20 बनेगा, 5 लाख का 2 लाख बनेगा और 50 लाख का 20 लाख बनेगा। ही वॉन्ट टू ड्रीम। ड्रीम हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बट जब वो 5,000 पे 2,000 गवाएगा तभी कोई ऐसा सपना नहीं देखता है ना कि 50 लाख का 20 लाख होएगा, तो वो बोलेगा मेरा 2,000 गया, वो कैपिटल गया नहीं बोलेगा, कैपिटल परसेंटेज में बात नहीं करेगा, जाने के बाद, आने के बाद करेगा। तो ये यहाँ पे साइकोलॉजी का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये 1% का रूल है जो आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो समझाना चाहिए था। अनलकीली ये चीजें आज मार्केट में नहीं सिखाई जाती, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1% रूल, और आपको 1% से ट्रेड करना है। नाउ आज के वेबिनार का लास्ट क्वेश्चन, आज के वेबिनार का लास्ट क्वेश्चन, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिप्लाई, क्योंकि ये मिनी वेबिनार था। मैं फ्राइडे और संडे को आपको और कुछ बोनस के साथ बड़ा वेबिनार लेने वाला हूँ। आज इलेक्ट्रिसिटी का इशू था तो मैंने थोड़ा सा मिनी वेबिनार किया था। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड आई विल शो अबाउट मेंटोरशिप, अदरवाइज मैं वो भी नहीं दिखाऊंगा। बट एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैं आप पर्सनल पे मुझे आंसर कर सकते हो या एवरीवन में आंसर कर सकते हो, कि विच ऑफ दिस इज हैविंग मैक्सिमम टाइम डीके। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डीके रेट, ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम डीके रेट कहाँ पे है, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, बताओ चैट बॉक्स में, बताओ मुझे पर्सनल में, बताओ या तो फिर एवरीवन में बताओ, मैक्सिमम कहाँ पे है, ओटीएम, 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 ओके, ओटीएम, एटीएम, ओके, ओटीएम, ओटीएम,
ओटीएम ओटीएम ओटीएम। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? सबको आंसर पता है ओटीएम? के नाउ समझो ओटीएम। ठीक है, आंसर इज एटीएम। आंसर इज एटीएम, और सिर्फ वैभव जी का आंसर सही है। बाकी मुझे पर्सनल पे लगभग 35 जन ने बोला और एवरीवन में 15 भी जन ने बोला, सबका आंसर रॉन्ग है। सिर्फ वैभव जी का आंसर सही है, एटीएम। तो आप अभी समझो कि आपका लॉस क्यों हो रहा है, अभी समझो आपका लॉस क्यों हो रहा है। आपको अब तक ये भी किसी ने बताया नहीं कि एटीएम में सबसे बड़ा, एटीएम में सबसे ज्यादा डीके रहता है। आप ओटीएम या आईटीएम में जाते हो तो डीके कम होके 0 को जाता है, सबसे ज्यादा एटीएम में रहता है। और एटीएम में ट्रेड करते हो आप एटीएम ऑप्शन लेते हो, इसमें आप डेल्टा 0.5% है, मैक्सिमम डीके है, थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, थोड़ा भी बैंक निफ्टी रुक जाता है, निफ्टी रुक जाता है, आपका पैसा गायब, आपका प्रीमियम गायब, क्योंकि आप गलत स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो। आपको एटलीस्ट, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो, या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपको एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट अंदर ट्रेड करना है, आईटीएम में ट्रेड करना है, क्योंकि वहां पे डीके कम होगा, डेल्टा ज्यादा होगा पर डीके कम होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, आपको अच्छा कैपिटल रखना है, 200 या 300 पॉइंट आईटीएम में ट्रेड करना है। ये तक आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। ये रूम में जितने लोग हैं उसमें से सिर्फ एक वैभव जी है जिन्होंने आंसर सही दिया, और कुछ लोगों को पता रहेगा पर आंसर दिया नहीं होगा, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट बहुत लोगों ने आंसर दिया, 70-80 लोगों ने आंसर दिया, उसमें से एक जन को पता है। तो आप सोचो कि मार्केट में किस तरह का नॉलेज दिया जाता है। सिर्फ स्ट्रेटेजी बेची जाती है, सिर्फ टूल बेचा जाता है कि ये टूल लो और अमीर हो जाओ। मैं आपको एक चीज, लास्ट फाइनल चीज बोलता हूँ आज के वेबिनार में। लर्निंग आज सिखाने के लिए आया हूँ, आपको चाहिए तो मैं मेंटोरशिप के बारे में बता दूंगा, वो टेंशन नहीं है, बट सिखाना आज मेरा सिर्फ वही पर्पज था। एक चीज बता देता हूँ आपको, हमेशा याद रखना नीलेश सामंत ने क्या कहा, लाइफ टाइम याद रखना। ना ही नीलेश सामंत, ना ही कोई भी और आपको कोई ऐसा टूल, जादू की स्ट्रेटेजी, अल्गो, टेक्निक बेच सकता है, दे सकता है, जादू की छड़ी दे सकता है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। आई रिपीट, ना ही नीलेश सामंत, ना ही कोई और आपको ऐसी जादू की छड़ी दे सकता है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, क्योंकि वो जादू की छड़ी आप खुद हो, वो जादू की छड़ी आप खुद हो, यू आर द की। आपको बस अपने माइंड सेट पे काम करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, सिस्टमेटिक करना है, पैसा अपने आप आएगा। क्योंकि सिस्टमेटिक तरह से ट्रेड करने वाले सिर्फ 3% लोग होते हैं मार्केट में, और वही कमाते हैं, और बाकी 97% लोग उनको पैसा देते हैं। आपको क्या होना है वो आपको डिसाइड करना है, बाकी कोई भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। मैं एक एज अ साइकोलॉजी मेंटर आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको सिस्टमेटिक बनाने का रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको साइकोलॉजी सिखा सकता हूँ, बट कोई ऐसा जादू की छड़ी है नहीं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। ये एक चीज आज समझ लो आप, बहुत क्लियर? ठीक है, सो एटीएम, एटीएम में मैक्सिमम डीके होता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपने आज तक सपोज, चलो टेक्निक में 20 से 20 मिल गए आपको, अभी तो आपको ये भी पता चल गया कि एटीएम में है, आपको पता नहीं था। पर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का क्या? जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में नहीं करोगे काम, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में। सो आज के लर्निंग में इतना ही था। आज शुरुआत में लाइट का इशू था तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सिर्फ
टीचिंग में भरोसा, टीचिंग में फोकस करूंगा। इफ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड, यू टेल मी इन चैट बॉक्स, मैं आपको मेंटोरशिप के बारे में बता दूंगा, दिखा दूंगा। अदरवाइज आज का लर्निंग ओवर है। मैं आपको फ्राइडे और संडे को, जो दोनों सेम वेबिनार होंगे फ्राइडे और संडे को, तो वहां पे वो डिटेल में कुछ बोनस के साथ वेबिनार दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैभव जी ने बोला और कई लोगों ने बोला है, आई विल शो यू इन ब्रीफ, बट दिस इज द मेंटोरशिप विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 9-10 मंथ्स। और यहाँ पे 600 से ज्यादा लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी की है आज तक, और प्रॉफिटेबिलिटी का रेट भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, परसेंटेज वाइज मोर देन 80%। बिकॉज हम कोई जादू नहीं देते, हम बेसिकली आपको सिस्टमेटिक बनाते हैं, हम साइकोलॉजी सिखाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 महीने का कोर्स है और 30 डेज प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज है। अगर आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग आता है तो आप 30 डेज में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग पता नहीं है तो 2-3 महीने में हो जाओ। इसकी जो सारी लेक्चर्स होते हैं वो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग होते हैं। लाइफ टाइम यू गेट रिकॉर्डिंग प्लस लाइव ट्रेडिंग, लाइव भी होता है। सो एवरी मंगलवार को लाइव होता है, एवरी गुरुवार को भी लाइव होता है, क्वेश्चन आंसर इस तरह की, उसकी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलती है। लाइव ट्रेडिंग होता है मंडे वेनसडे फ्राइडे एज अ बोनस, आई विल शो दैट। बट साइकोलॉजी के सारे लेक्चर, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड प्लस लाइव, लाइफ टाइम सपोर्ट। सो यहाँ पे पहली चीज कि आपको माइंडसेट ट्यूनिंग होता है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग और साइकोलॉजी के बारे में सारा सारा नॉलेज होता है। मोर देन 20 सेशंस है, ये तो 12 सब्जेक्ट्स है, 20 सेशंस है। तो ये आपका मेन साइकोलॉजी का कोर्स है, जिसके साथ एडिशनली आपको टेक्निकल का कोर्स मिलता है एज अ बोनस। जहां पे जैसे कोई यहाँ पे नया है तो उसको व्हाट इज शेयर, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज चार्ट, व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज टाइम फ्रेम, वहां से शुरुआत होके पूरा नॉलेज मिलेगा। इसमें इंट्राडे स्कैल्पिंग, पोजिशनल स्विंग, कमोडिटी करेंसी, इन्वेस्टिंग, सारा कुछ आ गया, जितना है नॉलेज पूरा आ गया। ठीक है, तो ये बोनस है। प्लस आपको सारी ट्रेडिंग सिस्टम्स मिलती है, अलोंग विद ट्रेडिंग प्लान, जर्नल, चेकलिस्ट, एवरीथिंग। ट्रेडिंग सिस्टम, बैक टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम मिलती है। और यहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। मैं खुद मंडे वेनसडे फ्राइडे आपके साथ ट्रेड करता हूँ, आपके साथ ट्रेड लेता हूँ, आपके साथ ट्रेड डिस्कस करता हूँ, माइंडसेट डिस्कस करता हूँ लाइव मार्केट में, जिसका भी रिकॉर्डिंग आपको रात को मिल जाता है, मंडे वेनसडे फ्राइडे। ठीक है, तो दिस इज बोनस 3। अलॉन्ग विथ साइकोलॉजी यू गेट लाइफ टाइम सपोर्ट, ट्रेडिंग सिस्टम्स, टेक्निक, लाइव एंड रिकॉर्डेड लर्निंग एंड लाइव ट्रेडिंग। दीज आर 3 बोनस। प्लस देर इज अ 1-to-1 सेटअप मीटिंग। ये 1-to-1 सेटअप मीटिंग एक्चुअली मैंने कैंसिल कर दी थी, पर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसको अभी मत हटाओ, हमें जरूरत है, नए लोगों को भी जरूरत है, तो मैंने रखा है। तो आपके साथ बैठ के, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो मैं आपके साथ एक बार बैठ के आपका पूरा बिजनेस सेट करके देता हूँ। सारे टेम्पलेट्स मेरे पास है, सब कुछ है, तो मैं आपको सारा कुछ देता हूँ, आप आपका बिजनेस सेट कर सकते हो, ट्रेडिंग का बिजनेस। तो सिर्फ आप और मैं बैठेंगे जूम में, ऐसी सर्विस आज मार्केट में हार्डली कहीं अवेलेबल है। पहले तो साइकोलॉजी का कोर्स ही अवेलेबल नहीं है, सारे टेक्निक बेच रहे और सारे बोलते हैं कि 80% साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पर साइकोलॉजी में कुछ सिखाने के लिए रही है ही नहीं, नो वन इज इंटरेस्टेड। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अगर जैसे मैंने किसी से अभी फोन पे बात की थी, पुणे से एक फोन आया था, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं सर, तो अगर आपके बच्चे को क्रिकेट सीखना है, बैटिंग सीखनी है, तो बैट कहीं पे भी मिल जाएगी, OLX पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, अमेजोन पे मिलेगी, सामने वाले शॉप में बैट मिलेगी, बट बैटिंग सिखाने वाला इजीली नहीं मिलेगा। ये बैटिंग सिखाने वाले की जगह है, ठीक है ना, ये पर्सनल मेंटोरशिप है। यहाँ पे ब्रेन सर्जरी होती है, ब्रेन पे काम होता है, अपने आप घर पे नहीं कर सकते, यू नीड मेंटोरशिप। ओके, तो यहाँ पे हमें 1-to-1 में आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका टाइमिंग, इसके हिसाब से आपको प्लान करके देता हूँ। तो इसमें सब कुछ है, इसमें बेसिकली साइकोलॉजी का मेंटरशिप है, लाइव ट्रेडिंग लाइफ टाइम है,
ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम सपोर्ट है, वन टू वन सपोर्ट है, वन टू वन बिजनेस सेटिंग मीटिंग है, लाइफ टाइम ट्रेडिंग कोर्सेस है और टेक्निक्स भी है, एवरीथिंग इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो काफी बोनस है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं और सारे लेक्चर जो होते हैं, पहली चीज आपको 5,000 या 10,000 रुपीज से चालू करनी है मेंटरशिप, दूसरी चीज सारे लेक्चर रात को होते हैं, नाइट टाइम होते हैं या तो फिर संडे को होते हैं आफ्टरनून, ओके। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे 1-2 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बिकॉज दे आर बिकमिंग वेरी सिस्टमेटिक। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाए, देर आर मेनी इंटरव्यूज ऑल्सो, यू कैन गो टू यूट्यूब चैनल एंड लुक एट माई रिव्यूज ऑल्सो, आई विल गिव यू लिंक, ओके। मुझे व्हाट्सअप आप कभी भी कुछ भी रहेगा, एनी टाइम, यू आर स्टूडेंट और नॉट, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर फॉर एनी हेल्प एनी टाइम, 9321982950, मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन टेक माई हेल्प इवन इफ यू आर नॉट इन मेंटोरशिप, बट ऑब्वियसली मेंटोरशिप में जो है उनको मेरा प्रायोरिटी रहेगा, दैट इज ऑब्वियस बिकॉज आई एम चार्जिंग देम, राइट, सो आई हैव टू गिव देम मोर अटेंशन। सो ये जो मेंटोरशिप है उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है, मैं ऐसा कोई मार्केटिंग नहीं करूंगा कि बाबा 2 लाख है, ये है, वो है, वो है, वो है, और 2 लाख का आपको 20,000 में दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वेबिनार में भी, सॉरी वेबसाइट पे 23,600 है, बट वेबिनार में बिकॉज यू गिव टाइम, हम इसे बहुत ही कम कॉस्ट में वेबिनार में ऑफर करते हैं। आज तो मैं दिखाने वाला भी नहीं था, पर 4-5 लोगों ने अभी चैट बॉक्स में दो तीन बार कहा, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आज मैंने वेबिनार भी पूरा बड़ा नहीं लिया जितना लेता हूँ, तो मैं दिखाने वाला नहीं था। तो 4,999 इज द कॉस्ट, 4,999 इज द वेबिनार कॉस्ट, जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग लाइफ टाइम, वन टू वन मेंबरशिप, टेक्निकल कोर्सेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड और साइकोलॉजी, प्लस ये वन टू वन, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक इन मार्केट, आपके साथ बैठ के करना, तो ये सब कुछ मिलेगा। अनलेस यू डू दिस, अनलेस यू डू दिस, देर इज नो टुमारो, कुछ नहीं हो सकता। सो आई एम गिविंग यू लिंक, और ये मेरा नंबर है, इस पे जीपे कर सकते हो या ये कर सकते हो आप, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, कुछ लोग लिंक मांग रहे, तो आई एम गिविंग यू लिंक, और दिखा भी दूंगा कि किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। आप इस तरह से यहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हो। इसमें करेंसी, कमोडिटी, पोजिशनल फ्यूचर्स, ऑप्शन सब कुछ आ गया, ऑप्शन राइटिंग भी आ गया। ऑप्शन राइटिंग का एक एक कोर्स लाख लाख रुपए का रहता है, पर मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि मुझे पता है साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी के लिए आपने कभी मेहनत नहीं लिया, आपने सिर्फ टेक्निकल पढ़ा, और आज भी टेक्निकल ही पढ़ रहे हो, यानी 100 में से 20 मार्क का ही पढ़ाई कर रहे हो, 80 मार्क ऑप्शन को छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे आप पेटीएम या यूपीआई या कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो 4,999, एंड इमिडिएटली आपको मैं ज्वाइन करूंगा एक ओपन कम्युनिटी ग्रुप में, जहां पे आप कभी भी बात कर सकते हो, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, आप दिन भर आपके अलग अलग लोग आइडियाज डालते रहते हैं, आप बात कर सकते हो, ओपन ग्रुप है, ठीक है। प्लस हम 7 बार मिलते हैं वीक में, हम लोग 7 बार मिलते हैं, जैसे मैंने आपको गेम प्लान दिखाया था, वी मीट 6 to 7 times इन पर वीक। तो आप जीपे भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जीपे ऑल्सो, एंड नाउ इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, सॉरी, इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ओके। आपको कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और अगर कोई पेमेंट करता है तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई करना है, क्योंकि आई हैव टू ऐड दैट पर्सन, आई हैव टू ऐड दैट पर्सन इमिजिएटली। सो आपको, एक मिनट जूम, एक मिनट, आई विल सी द चैट। मुंबई डोंबिवली, डोंबिवली में, हाँ
यस 10,000 और 5,000, दैट इज द स्टार्टिंग कैपिटल. 10,000 और 5,000, दैट इज द स्टार्टिंग कैपिटल. के विवेक जी, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया. एनी वन वॉन्ट टू आस्क, ये लिंक है, ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यू कैन गेट हियर. आप यहाँ पे या जीपे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे जाकर पेमेंट कर सकते हो, जीपे भी कर सकते हो. एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, मंदार जी का पेमेंट आ गया, मंदार जी आपका पेमेंट आ गया. आप मुझे सुजाता जी का भी पेमेंट आ गया, मंदार जी का पेमेंट आ गया. ओके हाँ, एनी टाइम, कोई इश्यू नहीं सर. पहले कॉल करके आना, कॉल करके आना, कोई प्रॉब्लम. सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग, जो जो लोगों का पेमेंट आ गया मैं उनका जस्ट नाम ही ले रहा हूं. इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. ओके सागर जी, आपका पेमेंट भी मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. मंदार जी, सुजाता जी, सागर जी, सी बेसिकली कैसे है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से जाके आपको ये साइकोलॉजी का इश्यू जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा. ये सारे टूल सीखने पड़ेंगे, प्रोसेस सीखने पड़ेंगे. उसके बिना आप फिर उससे अच्छा आप ट्रेडिंग बंद कर दो. वेरी फ्रेंकली एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू कि उससे अच्छा आप वो ट्रेडिंग बंद कर दो. कोई पॉइंट नहीं है हार्ड अर्न मनी और गंवाने में. एक तो ये सॉल्व करो, आपने आज तक सिर्फ टेक्निक सीखा जो 20% इंपॉर्टेंट था और 80% चीजें बाजू में रखी. मेरे ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज सेइंग कि दिस फी शुड बी 10 times. लो फी इज द प्रॉब्लम, बट आई वांट टू रीच मासेस, सो इसके लिए मैंने कम रखी है. बट दिस इज नॉट माय प्राइमरी बिजनेस आल्सो, राइट? सो आई थिंक दुलई जी का भी पेमेंट हो गया, सागर जी का, विनोद जी का, अतुल जी का, काफी पेमेंट्स यहाँ पे आए हैं. सो मुझे आप व्हाट्सएप पे एक बार हाई कर देना. आप मुझे व्हाट्सएप पे इफ पॉसिबल व्हाट्सएप पे एक बार हाई कर देना. व्हाट्सएप पे एक बार हाई कर देना. वैभव जी, कैन यू जीपे? जीपे कर सकते हैं क्या? If possible, otherwise I have to arrange that link for you. अगर आप जीपे कर सकते हो तो बेटर है on this number. Anyone want to ask anything? Yes, yes, that is okay. I know that. मेरा number आपके सामने ही है, 9321982950. प्लीज मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई कर दो. मुझे नंबर्स आ रहे हैं 8551077750, अगर 777750 ये सारे पेमेंट हो गए, 77150 भी हो रहा है. तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे, इन केस नहीं करोगे आप तो मैं आपको हाई कर दूंगा, नॉट टू वरी. हाँ फ्रांसिस जी, आपका भी आ गया पेमेंट. मेरा नंबर ये है, सबको दे रहा हूँ. इट इज ऑल्सो इन जीपे एंड ऑल्सो, देखो प्रवीण जी ने दिया है.
इफ एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, तो बेसिकली आई वॉज सेइंग कि अनलेस यू सॉल्व दिस देर इज एब्सोल्युटली नो वे. सो यहाँ पे जो गेम प्लान है, आई विल शो यू वंस अगेन. भले आप फ्रेश हो या एक्सपीरियंस हो. हाँ ठीक है वैभव जी, कोई इशू नहीं. कॉल करा तुम्ही, वेबिनार झाल्यावर 10 मिनिटांनी करा. हिंदी में रहेगा, लर्निंग हिंदी में रहेगा, बट यू कैन, आई कैन टॉक ऑल द लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी मराठी, यू कैन कॉल. और यस, एएनजी सीक्रेट्स कंपनी का नाम है सर. एएनजी सीक्रेट्स इज आवर कंपनीज नेम. एएनजी का मतलब आत्मनिर्भर जोन. एएनजी इज नथिंग बट आत्मनिर्भर जोन. ठीक है, सो इट्स अ कंपनी नेम. यू आर राइट. सो एनी मोर क्वेश्चंस? या आपका पेमेंट आ गया मुझे लगता है. ये आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार हाई कर दो सर प्लीज. विनोद जी का भी ओके. ठीक है विनोद जी, कोई इशू नहीं. फ्रांसिस जी का पेमेंट आ गया. आई विल शेयर एवरीथिंग, नॉट टू वरी. एपीआई आप नाम डाल दो प्लीज. शेयर गेम प्लान आप नाम डाल दो एक बार. सेवन 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 फाइव जीरो, 777-750-11. सागर जी, सागर जी. भूपेंद्र जी मैं वेबिनार में हूँ, वेबिनार में हूँ, वेबिनार खत्म हो रहा है. भूपेंद्र जी कॉल करता हूँ, मैं वेबिनार में हूँ. सॉरी हमारे स्टूडेंट है, इन्होंने फेब्रुवरी में चालू किया था. एक्चुअली हर वेबिनार में भी आते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक है. अभी उसकी शादी हुई. हाँ वैभव जी आपका आया पेमेंट सर. हाँ अलाइक जी आपका 2 बजे आया. मैंने वो आदमी को, आपके मैनेजर को मैंने कंफर्म भी किया था. अलाइक जी आपका 2 बजे आया. मैंने वो मैनेजर को पूछा भी था कि आपका पेमेंट है ना, उनका जवाब नहीं आया. तो आपका 2 बजे आया सर, कोई इशू नहीं. फ्रांसिस ये 7777-150-49885 किसका है? उनका सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है. प्रवीण जी एक देख लो, उनको कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो. आज आज ही आपको इमीडिएटली ऐड किया जाएगा. और आज शाम का लेक्चर भी आप अटेंड कर सकते हो, जो बेसिक लेक्चर है, बट यू कैन अटेंड इवनिंग लेक्चर ऑल्सो, टुडे इवनिंग लेक्चर ऑल्सो. हाँ यस जी, ये नंबर है ना मेरा, 9321982950 मेरा ये नंबर है, आप इस पे कर सकते. ठीक है, एनजी सिक्स करके आएगा. फ्रांसिस जी का भी है, अलई जी का तो दोपहर को ही आया पेमेंट, तो कोई इशू नहीं. सागर जी का देवीदास जी का मुझे पता नहीं, शायद. सो काफी लोगों ने पेमेंट किया है. आई हैव टू रिकनसाइल. और आपको, आप ऐड हो जाओगे ग्रुप में, आज 8 बजे का लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो इमीडिएटली. यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टुडे ओनली. ठीक है ना, आज ही आपका जर्नी आपका चालू कर सकते हो.
एंड एनी मोर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। नहीं मैं करूंगा ना सर, आपको वेबिनार खत्म होगा वैसे इमीडिएट करूंगा, डोंट वरी। फोन पे नंबर भी डाला है अगर किसी को चाहिए। तो जो उनको प्रॉब्लम आ रहा था ना, उनके लिए फोन पे नंबर डाला है। हाँ तो माला डाक लेना, जो सीक्रेट डाक उनको लेना, प्रॉब्लम आ रहा था ना, उनके लिए फोन पे नंबर जूरी वन डाला में है। डाला मैंने। फोन पे अलग ही संग मत आना, ज्वाइन करो। तो वैभव जी आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय कर दीजिए एक बार, वैभव कुमार जी, वैभव कुमार पाल जी, व्हाट्सएप पे हाय डाल दीजिए अगर पॉसिबल है तो, सो दैट आई विल इमिडिएटली, जैसे ही खत्म होगा ना, मुझे आपको 8 बजे लेक्चर है, मैं उससे पहले सबको ऐड करके आपका रोड मैप भी भेजूंगा, गेम प्लान भेजूंगा, सब काम करना पड़ेगा। कल वापस लाइव ट्रेडिंग भी है सब कुछ, ठीक है। सो सबसे मैं पर्सनली बात करूंगा फोन पे आफ्टर दिस वेबिनार इज ओवर, एंड आई विल ऐड यू ऑल्सो, नॉट टू वरी। और बाकी लोग भी कभी मुझे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क वैभव कुमार जी, प्रवंजन, प्रवंजन मुदाली जी, ओके यही है आपका, आपके लिए प्रवंजन के लिए, प्रवंजन के लिए फोन पे का नंबर दिया है, ठीक है, गॉट इट। वो उनका ईमेल एड्रेस है जो मुझे दिख रहा है, प्रवंजन जी का ईमेल एड्रेस, सर उनका आ गया पेमेंट, प्रवंजन ठीक है, उनका भी आ गया, ठीक है। गया सो ठीक पेमेंट, है, एक प्रवंजन 8-9 जन का पेमेंट ऑलरेडी हुआ है, बाकी लोग करते रहेंगे। तो कुछ भी डाउट है किसी को भी, मैं अभी जिनका जिनका हुआ है सबको कॉल करूंगा एक 10 मिनट के बाद फ्रेश होके, और आपको सबको ग्रुप में ऐड करूंगा, एंड देन आवर जर्नी विल स्टार्ट 8 बजे। 8 बजे मैं एक बार बात करूंगा, या यू कैन कॉल मी ऑल्सो एनी टाइम, कोई इशू, ओके। तो चलो हाँ विमल जी, कोई इशू नहीं विमल जी, कोई इशू नहीं। हाँ वैभव जी आपका व्हाट्सएप भी आ गया, ठीक है, चलो। सो यस 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 आपका व्हाट्सएप आ गया सर, भारत का झंडा भी आ गया भारत का झंडा भी आ गया डीपी पे, ठीक है। और चलो सी यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, अतुल जी, अमेय जी, अनुज जी, अलंग जी, अलाई जी, आशीष जी, अरुण जी, अमिता जी, अमेय जी, प्रवीण जी, प्रवंजन जी, प्रसाद जी, और फ्राइडे और संडे को भी आई एक्सपेक्ट यू। बाकी लोग भी स्टूडेंट तो रहेंगे, पर बाकी लोग भी फ्राइडे और संडे को भी आ सकते हो आप, क्योंकि मैं कुछ बोनस दूंगा, जो कुछ बोनस दूंगा और कुछ और चीजें आपको सिखाऊंगा फ्राइडे और संडे को। सो दैट टाइम थोड़ा सा बड़ा वेबिनार होगा, मे बी 45 मिनट्स मोर देन दिस, सो यू कैन ज्वाइन दैट टाइम, ओके। प्रवंजन जी, सागर जी, प्रवंजन जी आपका भी हाय आ गया, आई विल बी एडिंग यू, सागर जी, संतोष जी, वैभव जी, विमल जी, विनोद जी, विनु जी, फ्रांसिस जी, और हमारे विश्वास जी जो हमारे स्टूडेंट है और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हैं रोज प्रॉफिट मार रहे और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वैभव जी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और भी बहुत लोग हैं बट अभी आई थिंक टाइम की थोड़ी कमी है, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू, बाय।